यहाँहरु सबै सबैलाई केही क्षणको निमित्त यहाँ अघि आएर बस्दिनु भएको आग्रह गर्छु। जति पनि विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर बस्नुभएका महानुभावहरूलाई यहाँ अघि हजुरको निमित्त चौकीको पनि बन्दोबस्त गरिएको छ। त्यसर्थ यहाँहरू सबै सबै यहाँ अघि आएर बस्दिनु भएको आग्रह गर्छु। र यसरी 27 औं वार्षिक दार्जिलिङ जिल्ला पुस्तक मेला 2023 को आजको दोस्रो दिनमा हामी भेला भएको छौँ अनि यस पुस्तक मेला हिजोदेखि सुरु भएर अब आगामी 17 फेब्रुअरीसम्म चल्नेछ। यसरी हामी समक्ष हुनुहुन्छ श्री समन्त बन्दोपाध्याय, एसिस्टेन्ट डिरेक्टर अफ लाइब्रेरी सर्भिसेस वेस्ट बेङ्गल। उहाँलाई पनि हामी कदा अर्पण गरेर न्यानो स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। एसिस्टेन्ट डिरेक्टर अफ लाइब्रेरी सर्भिसेस गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल। यसरी हामी समक्ष हुनुहुन्छ जस्तो सब मिलकर एक ताली थुप्रै ताई प्लिज सब मिलकर। र यसरी नै हामी यहाँलाई एउटा स्मृति चिन्ह, टोकन अफ लभ, मायाको चिन्ह पनि हामी दिन चाहन्छौँ। यसको निमित्त म आदरणीय एमओडी लाइब्रेरी सर्भिसेस डिपार्टमेन्ट विनिता खम्बुराईलाई अघि आइदिनु हुन आग्रह टक्राउँछु। लोकल लाइब्रेरी अथोरिटी साथै हाम्रा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अफिसर तर्फबाट दार्जिलिङको यो सानो तस्विर हामी यहाँलाई सुम्पिरहेका छौँ अनि यहाँले पनि सहृदय स्वीकार दिनुभयो। अनि हामी समारोहका प्रमुख अतिथि महोदय जनाब सिद्धिकुला चौधरी, अनरेबल मिनिस्टर इन्चार्ज डिपार्टमेन्ट अफ एमइएलएस वेस्ट बेङ्गल, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हम लोग आज गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल की तरफ से दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट 27th बुक फेयर में हम उपस्थित हुए हैं। हमको बहुत खुशी है कि आपकी इस धरती में दार्जिलिंग में मैं यहाँ आपके आदर लेने के लिए और मैं अपनी बात को आपको सामने रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ विनीता है जो जीटीए के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे सुमंत बंदोपाध्याय जो असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी सर्विस के डेप्यूटी डायरेक्टर है, और अमृत सुब्बा जो यहाँ डीओले हैं, कई साल से हमसे उनका उनका व्यवहार उनका काम में हम बहुत खुश हैं, अच्छे से काम चला रहे हैं। दार्जिलिंग एक पढ़ा लिखा जगह है, ब्रिटिश पीरियड से आपने हमारे मुल्क का नाम ऊंचा किया है और वर्ल्ड बेसिस पर दार्जिलिंग में लोग आते हैं आपके प्यार लेने के लिए और जो सिचुएशन है इसको देखने के लिए। इसलिए दार्जिलिंग में रहने वाले लोग बहुत प्यारे लोग हैं, हम तमाम दार्जिलिंग में रहने वाले लोगों को दिल से हम आदर करते हैं, बिल्कुल मन से आदर करते हैं। आप लोगों के बारे में हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ का परिस्थिति, यहाँ का आबहवा, यहाँ का मन बहुत ऊंचा है। पूरे हिंदुस्तान ने, दुनिया के लोग आते हैं, कोई शिकायत नहीं करता है। दार्जिलिंग के खिलाफ कुछ कहता नहीं है, तो ये आप की ग्रेविटी है। इसलिए हमको बहुत खुशी है यहाँ 50 के 50 कमोबेश हमारा स्टॉल लगा हुआ है। 6 दिसंबर से इस साल हम लोगों ने बुक फेयर शुरू किया था, कालिम्पोंग में 2 दिन बाद वो बुक फेयर एंड होगा 2022-23 का। 3 और डिस्ट्रिक्ट में हमने सब डिविजन में गवर्नमेंट का बुक फेयर हमने किया है। इस बुक फेयर में पूरे बंगाल में एक नया भावना किताब के मुतालिक लोगों के दिल में आता है। जब तक आदमी किताब नहीं पढ़ेगा तो आदमी आदमी नहीं बनेगा।
कोई अगर हम दार्जिलिंग को जानना चाहें तो मुझको दार्जिलिंग की किताब पढ़ना पड़ेगा। अभी दीदी विनीता ने जो हमको पिक्चर दिया है, हमारा जी खुश हो गया, बहुत उम्दा पिक्चर हमें दिया है। ये हमारा ड्राइंग रूम में हम रखेगा, बहुत खूबसूरत। तो इसलिए आपको जानने के लिए किताब और बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तो दार्जिलिंग को पता चलेगा, टॉय ट्रेन कैसा है, घूम कैसा है, फला कैसा है, वो किताबी के जरिए से पता चलेगा। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट और आप में कंपेयर में आप थोड़ा सा आगे हैं, वो एजुकेशन, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन कम है, लेकिन ट्राइबल और पहाड़ी दार्जिलिंग में एजुकेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ की माँ, यहाँ की बहन, यहाँ की सिस्टर, वो एजुकेशन में नंबर वन काम करना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर में 21-22 में जो बुक फेयर हमने किया था, पूरे स्टेट में 10 करोड़ हमारा बुक सेलिंग हुई थी और 1.22 करोड़ जो विजिटर हैं वो तमाम स्टेट के बुक फेयर में आए हैं। ये हमारा जो सीएम है ममता बनर्जी, वो भी चाहती है कि लाइब्रेरी में उन्नति हो और इम्प्रूवमेंट हो। आज कैबिनेट हो रही है, मैं यहाँ हूँ, जा नहीं सकता हूँ, फिर भी मुझे उम्मीद है 737 पोस्ट जो रूरल लाइब्रेरी है गांव देहात के, इसके बारे में एक नए लाइब्रेरियन का आज शायद कैबिनेट मंजूर होने से हम इतने लोगों को नौकरी दे सकते हैं। ये आपको हम यह वचन दे के जाते हैं, ये आज अगर कैबिनेट में पास हो गया तो हमारी नई पीढ़ी, नौजवान बच्चे बच्चियां जो लाइब्रेरी कोर्स किया है उनके लिए एक नया रास्ता खुलेगा। इसके अलावा हमने 1000 कॉन्ट्रेक्चुअल लाइब्रेरियन हमने मांगा है सीएम से, वो खत हमने भेज दिया है, कुछ कम है, परेशानी है, लेकिन पिछले 11 साल से 12 साल से धीरे धीरे लाइब्रेरी बहुत ऊंचा अपना मकाम पैदा किया है। ये आप लोगों के सहायता से होना चाहिए। आप लोग ये जो एक हफ्ता है, वन वीक, 4 डेज, 4 दिन के लिए खुला रहेगा, जो दार्जिलिंग के रहने वाले हैं उनसे हम कहेंगे, अपना फ्रेंड है, अपने बच्चे हैं, अपने पिताजी हैं, भाई हैं, उनको कहिए कि बुक फेयर में आओ। वो आने से तमाम बुक देखेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, परचेस करेंगे, उसमें एक नया माहौल बनेगा। और आपने APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा, जो एक्स प्रेसिडेंट थे, बहुत गरीब आदमी थे और उस जमाने में अपने कंधे पर न्यूज़पेपर रख कर बेचते थे, रोजाना 1 आना पैसा उनको मिलता था। अपनी माँ के पास APJ अब्दुल कलाम वो पैसा जमा करते थे, इसी तरीके पर और मेहनत करते थे, लेकिन APJ अब्दुल कलाम की माँ अपने बेटे के लिए बहुत जतन करती थी। 10 भाई बहन थे गरीब लोग और वो 10th नंबर पे सबसे छोटे थे अब्दुल कलाम। रात को खाना में रोटी खिला करके 2 रोटी अलग सेक करके अब्दुल कलाम के लिए माँ अलग रखती थी। दूसरे बच्चे पूछते थे क्यों, तो बताती थी कि हमारा अब्दुल कलाम सुबह पढ़ने उठेगा
नहान मुंह रहेगा और खाएगा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। ये है माँ की पहचान। एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ लिख करके पूरी दुनिया में अपना पोजीशन बनाया, नंबर वन साइंटिस्ट। अमेरिका ने मान लिया कि अब्दुल कलाम जिस जमाने में थे इससे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं बने हैं। वो किताब पढ़ करके, लैपटॉप है, इसी तरीके पर मोबाइल है और कुछ है, वो अपनी जगह पर, लेकिन किताब का कोई बदल नहीं है। किताब किताब है। आदमी जब तक किताब नहीं पढ़ेगा पुरानी पीढ़ियों को बात कैसे याद करेगा, दार्जिलिंग की बात कैसे याद करेगा, अपने दादाजी पर दादाजी कैसे रहते थे, किताब पढ़ेगा तभी उनको पता चलेगा। इसलिए किताब के साथ मन लगाइए, बच्चों की पढ़ाई में और किताब के साथ प्रेम में कोई इसमें बात नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया पढ़ने लिखने में बहुत बड़ा पोजीशन रखता है। हमारा मुल्क, हमारा स्टेट, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ यानी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट में जो बजट हुआ करता था 5 गुना 7 गुना 10 गुना बजट ममता दी ने बढ़ाया है और घर घर में लोगों को पहुंचाया है, ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी है। इसलिए हमको खुशी है कि दार्जिलिंग से हमारी मोहब्बत है। अगर मेरे पास टाइम होता तो एक आध महीना तो हम लोग यही रहते, लेकिन मिनिस्टर है, ड्यूटी देना पड़ेगा, ज्यादा दिन मन चाहेगा तो भी नहीं रह सकते, अपना काम और काम। आप लोगों से हमारी दिली तमन्ना है, आभारी है कि आप खुश रहें, अच्छे से रहें, पढ़ने लिखने में, भाईचारगी में। यहाँ कितने रंग के लोग आते हैं, कितने धर्म के लोग आते हैं, कितने मुल्क के स्टेट के आते हैं, सब लोग खुश होके जाते हैं। ये दार्जिलिंग एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट आपका दिल है, आपका व्यवहार है कि पूरे हिंदुस्तान और बाहर के लोगों को उस मैग्नेट से आप खींच लिया है। कोई दुखी नहीं होता है, खाता है पीता है, 2 दिन 4 दिन रह करके दार्जिलिंग में रह करके मन में वो बड़ा होता है और अपने को बहुत फुर्ती लगता है कि हम दार्जिलिंग गए। तो आप तमाम लोगों के हम शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निकाली सकूँगा ऐसा नहीं। यहाँ को बाहरी बात हाजा माननीय मंत्री जनाब सिद्दिकुल्ला चौधरी यहाँलाई भेट गरिरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आज तपाईँले जति पनि टाढा नजदीकबाट आइदिनु भएको छ यहाँहरू सबै सबैलाई पनि हामी लोकल लाइब्रेरी अथोरिटी तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। वही प्रॉब्लम सच में ग्रास रूट में है, तो जीके की तरफ से हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो रूरल लाइब्रेरीज हैं उनका स्थिति ऐसा है कि सपोजिंग लाइब्रेरियन लाइब्रेरियंस वगैरह वहाँ पे, जैसे आपने बोला है कि आज कैबिनेट में पास, मुझे उम्मीद है जी सर वो पास नहीं होंगे तो हमारे जो रूरल लाइब्रेरीज है जो खुला हुआ वो बंद होने के कगार में है। मैं आपको पॉजिटिव सजेशन दे रहा हूँ, 737 ये तो पास होगा क्योंकि अरे 1.5 साल से हम लोग इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। ये अगर पास हो गया नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है 1000 कॉन्ट्रेक्चुअल वो अगर हो जाता है तो उसमें आपकी भागीदारी भी रहेगी, दार्जिलिंग भी रहेगी। सर दार्जिलिंग एज यू सेड इज़ अ प्लेस वेयर बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे बिल्कुल सही है फिगर्स से जन्म हुआ है। जी जी। तो सर उसी सिलसिले में आपको जीपे की तरफ से एक मेमोरेंडम हम देना चाहते हैं, और सर हम चाहते हैं कि जितना भी लाइब्रेरियंस आए इस जो लाइब्रेरियंस आप लोग देंगे रूरल लाइब्रेरीज में वो
वो तो मेरिट पर होगा, ये वो एग्जाम ही होगा, वो एग्जाम नहीं लेंगे, वो डिपार्टमेंट लेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उस सिस्टम में नियोग होगा, उसमें कोई पॉलिटिकल नियोग नहीं है। हाँ बिल्कुल 100% ये एम्प्लॉय डिप्टी डायरेक्टर है, ये खुद हम लोग ऐसे सिस्टम बनाया पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद चार प्रतिनिधि रहेंगे, तमाम सिस्टम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही के थ्रू हो, मिनिस्टर भी उसमें इंटरफेयर नहीं करें। सर और एक लास्ट यहाँ पे लिखा भी है सर, जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस भी मतलब वो तो बहुत साल आगे बना हुआ था, नहीं भी आ रहे, लेकिन पुरानी जो है उसका मैं बताऊँ, एक मिनट गंभीर है, आप वन बाय वन ए में कुछ करना है कंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग, वहाँ आपको ए बी सी कैटेगरी तैयार करके वहाँ आप यहाँ इंजीनियर के जरिए से सुपर के थ्रू आप उसको ये बनाइए, बजट बनाइए, वो बजट प्लान एस्टीमेट, वो बजट अगर जी टी ए देगा तो हम उस पर नजर देंगे। जीटी की तरफ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपका नहीं, लेकिन आप जब तक प्लान स्टेट नहीं देंगे, आप और अभी 23 शुरू हुआ, आप दो को टारगेट बनाइए, उस दो में पहले हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद 24 में जाएंगे, फिर 25 में जाएंगे, हम लोग तो कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो रहा है, यहाँ डेवलप बिल्कुल होना चाहिए, हम आपके साथ हैं, जीटीए के साथ है, ठीक है करेंगे।